वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप जर्नल में जाइए और स्टोरेज में जाइए। देखिए, यहाँ पर हमारी टोटल 8-10 GB खाली है, ठीक है। तो आपको कम से कम इतनी GB खाली रखनी है, लगभग लगभग 1 या 2 GB तो कम से कम खाली रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आपको यही करना है कि 1 या 2 GB आपको खाली रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेसी चेक कर लीजिएगा। जैसे कोई एप्लीकेशन रहती है, तो जैसे कि यहाँ पर पेटीएम मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर भी आप ये चीज करते हैं, तो वहाँ पर अलाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। अगर अलाउ कर देते हैं आप तो अलाउ होगी, अदरवाइज़ उस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन टाइम वाले जो ये ऑप्शन है इसको खोलिए, और यहाँ पर जो है आपका जो कोई यहाँ पर कम्युनिकेशंस या फिर किसी भी तरीके की लिमिट्स ना लगी हुई होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगे रहते हैं, तो वो कहीं पर भी यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, तो वो नहीं लगे हुए होने चाहिए। क्योंकि एक जगह से जैसे माइक्रोफोन पर लगा हुआ है तो बंद हो जाएगी, और फिर ये रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी रहती हैं इसमें, तो आप टोटली सारी जगह पर चेक कर लीजिएगा एक एक करके, कहीं कहीं पर आपकी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगी हुई हैं। अगर लगी हुई है तो उनको हटा लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बस फिर आपको अपने आईफोन में अपडेट चेक कर लेना है। अगर अपडेट आ रहा हो तो अपडेट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं चल पा रही है, तो उस सिचुएशन में आप जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पर जाइएगा, और यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके अपनी ऑल सेटिंग्स को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।